नेटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। नेटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। यूक्रेन की नेटो में सदस्यता को लेकर ही रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक युद्ध का कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन इस युद्ध में कई बार ऐसे मोड़ आए जब लगा कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल युद्ध के शुरुआती महीनों में यूक्रेन बचाव की मुद्रा में दिखा था, लेकिन जैसे जैसे उसको अमेरिका के साथ नेटो देशों के हथियारों का सहयोग मिलता गया, यूक्रेन रूस से मोर्चा लेता हुआ दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ रूस की परमाणु क्षमता से भी सभी वाकिफ हैं, और ऐसे में जब जब रूस को मुंह की खानी पड़ी तो ऐसा लगा कि रूस अपनी परमाणु क्षमता का इस्तेमाल न कर दे, और खुद रूस ने बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात करके इस तरह के संकेत भी दिए थे। अब जब नेटो देश यूक्रेन के साथ है तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि यूक्रेन को इस तरह के खतरे से आगाह करने के साथ साथ उसको परमाणु खतरे से संरक्षण दिलाए। लेकिन रूस यूक्रेन के इस युद्ध में अब तक यही दिखा कि नेटो का यूक्रेन को जो समर्थन है वो पूरी तरह से नहीं है। अमेरिका के साथ नेटो देशों का साथ बाहरी रूप से ही है। इसकी एक बड़ी वजह है कि यूक्रेन को अभी तक नेटो की आधिकारिक सदस्यता नहीं मिली है। ओवरऑल अब तक की भूमिका को देखा जाए तो जब भी इस युद्ध में परमाणु धमकी रूस की तरफ से आई है, अमेरिका सहित नेटो सभी बचाव की मुद्रा में ही दिखे हैं, आक्रामक मुद्रा में नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या केवल बचाव की मुद्रा में रहकर रूस को ऐसा करने से रोका जा सकता है? नेटो को इस युद्ध से हटकर आगे की ओर भी देखना होगा, क्योंकि रूस रुकने वालों में नहीं है। इसी विमर्श को आगे बढ़ाते हुए ग्रेगरी वीवर, जो अमेरिकी वरिष्ठ कार्यकारी सेवा के सेनानिवृत्त सदस्य हैं, उन्होंने कुछ खास बातों के जरिए नेटो का ध्यान आकर्षित किया है। वीवर के मुताबिक इस युद्ध में जो 3 खास बातें निकलकर सामने आई हैं, उससे रूस को बेहतर तरीके से समझकर भविष्य के लिए भी रणनीति बनाने की जरूरत है। पहला, नेटो नेताओं को ये सीखना चाहिए कि यूक्रेन पर आक्रमण करने के पुतिन के फैसले ने ये दिखा दिया कि उनमें जोखिम लेने का मादा है। दूसरा, नेटो नेतृत्व को ये सीखना चाहिए कि यूक्रेन में रूसी सेनाओं के प्रदर्शन से आगे परमाणु हथियारों पर रूसी निर्भरता बढ़ने की पूरी संभावना है। तीसरा, नेटो के नेतृत्व को ये सबक लेना चाहिए कि यदि रूसी नेता यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि अन्य परिस्थितियों में नेटो के खिलाफ ऐसा नहीं करेंगे। वीवर का यह भी मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में इस बात की प्रबल संभावना है कि युद्ध रूसी परमाणु उपयोग के बिना और निर्णायक रूसी जीत के बिना ही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के अंतर्गत एक और पहलू पर भी चर्चा हो रही है, वो ये कि अगर कभी अमेरिका किसी अन्य परमाणु सहयोगी के साथ बड़े संघर्ष में उलझ जाता है तो रूस को नेटो पर हमला करने का अवसर मिल सकता है। इस परिस्थिति में भी यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने के बाद नेटो के खिलाफ रूसी परमाणु उपयोग को रोकना एक चैलेंज के तौर पर बना रहेगा। ऐसे में इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि अगर नेटो देशों का रूस के साथ युद्ध के हालात बनते हैं तो नेटो की भूमिका महज उसे रोकने की नहीं बल्कि रूस पर परमाणु हमले की रणनीति को लागू करने की होनी चाहिए। पश्चिम का एक धड़ा इस बात को प्रबल रूप से मानता है कि यही वो एकमात्र तरीका हो सकता है जो रूस के विस्तारवादी और परमाणु आक्रामकता पर लगाम लगा सकता है।